नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की सेकंड लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, सेकंड लिस्ट जो है जाहिर कर दी गई है आरपीएफ कांस्टेबल की। कौन सा वो ग्रुप है और क्या आप लोग की सेकंड लिस्ट में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, कौन कौन सी कैटेगरी के द्वारा सेकंड लिस्ट प्रोवाइड की गई, सब वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसी खाली थी जिनको ऊपर सेकंड लिस्ट प्रोवाइड की गई है, तो दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आरपीएफ की वेबसाइट पर जब हम ये है आपकी आरपीएफ की वेबसाइट, यहां पर आप आएंगे तो आप लोगों को ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को इस ऑप्शन में आना है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट रिपोर्ट सेकंड राउंड पीएमटी और पीईटी ग्रुप बी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ। ग्रुप एफ द्वारा मेरे चैनल द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है कि ग्रुप एफ की जो है पॉसिबिलिटी कम है आंसर की आने, सेकंड लिस्ट आने की, लेकिन जो है सेकंड लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। अब वो क्या कारण था कि मेरे चैनल द्वारा आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी कम है लेकिन आंसर की जो है आप लोगों की अपडेट कर दी गई है, उसका भी कारण हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों का क्या कारण था कि आप लोगों की सेकंड लिस्ट प्रोवाइड की गई। दोस्तों, ये है आप लोगों की आरपीएफ की सेकंड लिस्ट जो प्रोवाइड की गई है। 9 मई से आप लोगों के फिजिकल हैं द्वारा स्टार्ट होने वाले हैं, ये आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो सेकंड लिस्ट प्रोवाइड की गई है इसमें देखिए मोस्टली जो एससी कैटेगरी की वैकेंसियां हैं, एफएससी एफएससी, और कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। 70 कैंडिडेट, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की 7 वैकेंसियां बच गई हैं जो एससी की वैकेंसियां बच चुकी हैं। कुछ एसटी के कैंडिडेट बुलाए गए हैं, लेकिन एसटी जो है वो एससी की वैकेंसी को ले सकता है। तो मोस्टली जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप लोगों की एक वैकेंसियाँ जो है, जो देखिए 60 कैंडिडेट बुलाए गए हैं आप लोगों के एससी कैटेगरी के, यहाँ खत्म हो जाते हैं, और 61 से 70 तक बुलाए गए हैं एसटी के। तो 6 जो वैकेंसियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों की एससी की बच चुकी हैं और एक वैकेंसी आप लोगों की एसटी की बच चुकी है। तो आप लोगों की 7 वैकेंसियाँ बढ़ चुकी हैं जब आप लोगों के 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो एससी और एसटी कैटेगरी के जिन जो कैंडिडेट फिजिकल मार चुके हैं उनका 100% का सिलेक्शन पक्का है आरपीएफ के अंदर। वहीं बात बताएं तो आप लोगों की 6 वैकेंसियाँ हैं जो और बच गई हैं, तो आप लोगों को इतने कैंडिडेट और बुलाए गए हैं, तो उनमें से अगर 6 कैंडिडेट फिजिकल मार लेते हैं 60 में से, जो बहुत ईजी है, 9 मई को आप लोगों का फिजिकल है, आप लोग तैयार रहिएगा। जिन कैंडिडेट का नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की एक वैकेंसियाँ एसटी के लिए हैं, 6 वैकेंसियाँ एसटी के लिए, एससी के लिए हैं। ये मत सोचिएगा कि एक वैकेंसी है जाए ना जाए, 100% जाइए, आप लोगों का वहाँ पर आप लोगों की वेटिंग लिस्ट में भी नाम आ सकता है। तो कैंडिडेट आप लोगों की जो इतनी वैकेंसियाँ बच चुकी थी इसके लिए आप लोगों द्वारा वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। अब दोस्तों, जो और ग्रुप हैं उनकी प्रोवाइड नहीं की गई है, सिर्फ ग्रुप एफ, ग्रुप ई और ग्रुप बी की प्रोवाइड की गई है। बाकी ग्रुपों का आप लोगों का फिजिकल चल रहा है, उसके बाद देखते हैं कि आप लोगों की सेकंड लिस्ट आती है या नहीं आती है। लेकिन आरपीएफ की एफ ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आ गई है, जो बहुत ही शॉकिंग थी न्यूज़ थी कि आरपीएफ ग्रुप एफ का जो कम्प्लीटली डाटा था मेरे पास था कि आप लोगों के जो है वैकेंसी से ज़्यादा कैंडिडेट फिजिकल मार चुके हैं, लेकिन शायद ऐसा हुआ है कि आप लोगों की रिजर्व कैटेगरी में प्रॉब्लम आई है वैकेंसियों के भरने में, तो इसलिए शायद आप लोगों की जो है सेकंड लिस्ट प्रोवाइड की गई है आप लोगों की आरपीएफ की आरपीएसएफ के लिए, रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स के लिए। तो कैंडिडेट आरपीएफ से रिलेटेड, आरआरबी से रिलेटेड, एसएससी की सरकारी नौकरी के लिए हर न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो तक के लिए धन्यवाद। जय।